सेहत दीजिए। और अभी चुनावी आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस बीजेपी सपा या अन्य विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना जो जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को यह मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र में उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही, किंतु इनकी गलत नीतियों या गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले माननीय श्री कांतिलाल जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री डीके सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों के लिए सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है, और इसीलिए हमें फिर इन सब कारणों की वजह से ही हमें फिर बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम मूड खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने का तो कई इलाज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र या एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं, खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सत्ता सरकार ने ज्यादातर खत्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान में हमारी सरकार द्वारा जनहित की अनेकों योजनाओं के
है दिखाती प्रेम दर्शन करना भी, लेकिन जबकि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोचकर चल रही थी कि सत्ता सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सत्ता के बीजेपी की सरकार सपा के फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी की सरकार की भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों गुरुओं या महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही है। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों मजदूरों बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित में कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में हर मामले में सबसे ज्यादा दुखी रहा है, जबकि यहाँ प्रदेश में मुस्लिम के अलावा भी बड़े बड़े माफिया जबकि यहाँ प्रदेश में मुस्लिम के अलावा भी बड़े बड़े माफिया हैं, जिन पर बीजेपी की सरकार का अभी तक भी बुलडोजर व हथौड़ा आदि नहीं चला है। ये सब इनकी संकीर्ण मानसिकता नहीं है तो वो क्या है? इसलिए इनके इसी पक्षपात वाले रवैये से दुखी होकर ही यह मुस्लिम समाज खासकर बीजेपी व आरएसएस से काफी नफरत करता है तथा ना ही इनको अपना वोट देना भी पसंद करता है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार तो बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग में भी ब्राह्मण समाज हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है, जबकि इस मामले में आप लोगों को जबकि इस मामले में बसपा सरकार में कभी भी पलायन नहीं हुआ।
केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों आदि को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल के सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में वह अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का भी गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी लागू करने का मामला शामिल है, इसे भी जरूर लागू किया जाएगा। इसके अलावा सर्वजनहिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए
पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक या सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले वे चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा आम चुनाव में उस समय मीडिया ने जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे तो वो गलत ही साबित हुए थे, और इस बार भी आप लोगों को गलत ही साबित करके दिखाना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास एवं आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक या किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज़्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज़्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में अब आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए यहाँ फिर से बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही वह समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए आई हैं, वो भी पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि पुरुषों से आगे निकलकर आप लोग सबसे पहले अपना वोट अपने अपने पोलिंग बूथ में डालने के लिए जरूर जाएंगी। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी के हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के वाराणसी मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें अब आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर कामयाब बनाना है, जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी जरूर बनाना है, तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय अपराध भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है, और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को क्या करना है, वोट वाले दिन आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों की इस अपार भीड़ व भीड़ के भी जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार फिर से बीएसपी के नेतृत्व में पांचवी बार बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और तभी फिर आप लोग यहाँ योगी जी को उनके मठ में वापस भेज सकेंगे जहाँ उनकी सही जगह भी है। और ऐसा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है, योगी जी को मठ में भेजना क्यों जरूरी है और ऐसा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में अपनी जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता के तहत चलकर या खासकर दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की है। साथ ही यहाँ मुसलमानों के विकास व उत्थान एवं उनकी सुरक्षा आदि की तरफ तो इस पार्टी की सरकार ने कतई भी ध्यान नहीं दिया है, बल्कि अपनी पूरी द्वेष की भावना के तहत ही इनको अधिकांश फर्जी मामलों में फंसा के उन्हें उजाड़ने एवं तबाह व बर्बाद आदि करने का ही केवल काम किया है। यही खराब स्थिति इस बार हमें अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज की भी देखने के लिए मिल रही है। इसलिए ऐसी बीजेपी की सरकार को वे इनके मुख्यमंत्री योगी जी को भी आप लोग इस बार चुनाव में इसकी सजा इनको सत्ता से बाहर करके जरूर देंगे, इनको फिर से सत्ता में नहीं आने देंगे। और जहां अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार जरूर बनाएंगे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, एडवांस में ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, आखिरी चरण बचा है 7वां, 6ठे चरण का आज वोटिंग हो रहा है। लेकिन अभी तक जितने भी चरणों में वोट पड़ा है